आपने बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने पेड़ों की पेंशन के बारे में सुना है? हैरान ना हो, क्योंकि संभव है कि जल्द ही हरियाणा में पुराने पेड़ की पेंशन शुरू हो जाएगी। दरअसल विश्व वेटलैंड दिवस के मौके पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के वन मंत्री कुंवरपाल गुर्जर ने पुराने पेड़ों की पेंशन शुरू करने की बात कही है। हालांकि मंत्री कुंवरपाल गुर्जर ने साफ किया है कि अभी इस पर चर्चा हो रही है और जल्द ही मंजूरी के लिए आगे भेजा जाएगा, जिसके बाद पुराने पेड़ों की पेंशन शुरू हो जाएगी। शुरुआत कर रहे हैं, मैं घोषणा नहीं कर रहा इसकी, लेकिन मेरे मन में एक विचार है कि जो पुराने पेड़ हैं बहुत, तो जैसे कोई 100 साल का पेड़ है, इस प्रकार के जो पेड़ हैं जो एक फीलिंग देते हैं, तो उनकी हम सोच रहे, उनके हम पेंशन लगाने की सोच रहे, या वो जो उस पर एक जो नुकसान होता है उस व्यक्ति को, उसका एक मोजा लगा लो उसका देना, तो एक पेंशन टाइप हम उसको चलाना चाहते हैं। वो स्कीम हमने बनाई है अभी अभी, तो वो उसकी स्वीकृति के लिए अभी जाएगी मुख्यमंत्री जी के पास, तो उस पर उसके बाद विचार करेंगे, क्योंकि उसकी एक बड़ी जरूरत है। तो वैसे भी आपने को बहुत पुराने पेड़ देखे होंगे ना, तो आपको भी एक फीलिंग अलग से आती है उस पेड़ में देखने के बाद ना, हर आदमी को जब उस इतने पुराने पेड़ को देखता है तो उसकी एक अलग फीलिंग, मतलब अच्छी सी फीलिंग उसके बाद आती है। और दूसरा उसमें ना जी कई चीज़ें ऐसी होती है जो आम जो अभी का पेड़ है उसमें देती है, जैसे खोखर है उसमें, तो कुछ हमारे पक्षी ऐसे जो खोखर में अंडे देते हैं, अगर वो नहीं होंगे इस प्रकार के पेड़ तो काफ़ी नुकसान होगा जो पक्षी है। वो एक तो इस ज़मीन में बहुत अच्छा होता है हमारे यहाँ ना जी, जो ये पूरी ज़मीन यहाँ से लेके कालका तक की है, इसमें बहुत ही अच्छा होता है आम का पेड़। तो दूसरा हमारा, हमारी सोच ये है कि जैसे हमने सफेदा लगा दिया किसान की साइड में ना जी, तो सफेदा काफ़ी नुकसान करता है जो साइड में होता है, तो हम सोच रहे हैं कि उस साइड में हम आम का पेड़ लगाएंगे। सफेदा वैसे भी आपको 15-20 साल के बाद काटना पड़ेगा, आम का पेड़ आपको 60 साल तक नहीं काटना पड़ता। आप अगर एक बार उसको बड़ा कर दोगे तो 60 साल तक वो ग्रीनरी वैसी की वैसी आपकी रहेगी, और किसान को ये लाभ होगा कि आम वो खाएगा उसके, तो हम कहेंगे कि जो उस पर फल लगेगा वो किसान का है, हमें तो खाली ग्रीनरी चाहिए, हमारा कोई वो नहीं है, बिजनेस नहीं है ये कोई, तो हमें तो खाली ग्रीनरी चाहिए, पर्यावरण के लिए हम काम कर रहे हैं, तो हमारा भी काम हो गया और किसान को भी उसका लाभ हो गया। और ऐसे में मैं समझता हूँ कि किसान भी उसका ध्यान रखेगा और पेड़ को जीवित रखने के लिए उसका उसका भी पूरा शुरू किया है। हम ज़्यादातर पेड़ जो हैं उस प्रकार के लगा रहे हैं, तो हमारा तो पूरा ध्यान है वो सफेदे पे नहीं है, सफेदा पॉपुलर पे नहीं है, बल्कि हम ऐसे ही पेड़ लगाएंगे। और जो एक भिन्नताएँ जो थी पेड़ों की वो समाप्त हो रही, मेरी बात हुई है, और वो भिन्नता हम बनाए के रखेंगे। अब हम केवल किसान से दूसरे से उम्मीद करें, क्योंकि ऐसा भौतिकवाद आएगा ना जी, अब हर आदमी चाहता है कि जो जिसमें पैसे बनेंगे वो तो लगाएगा चीज़, जिसमें उसके पैसे नहीं बनते तो वो नहीं लगाएगा। तो ऐसे में जिम्मेदारी हमारी है, तो समाज की और हमारी मिलकर जिम्मेदारी है, जहाँ इस प्रकार की जमीन पंचायत के पास है वो लगा सकते हैं या फिर सरकार लगा सकती है। तो आने वाले टाइम में जो प्लांटेशन करेंगे उस हिसाब से करेंगे, उन इस प्रकार के जो पेड़ हैं जो समाप्त होते हैं उनको लगाएंगे। अगर ये कानून बनता है तो प्रदेश भर के ऐसे पेड़ों की पेंशन लाई जाएगी जो लगभग 100 वर्ष के हो चुके हैं। जानकारी के मुताबिक सरकार पेड़ों को बचाने के लिए अलग अलग कार्यक्रम चला रही है, जिसके लिए सरकार खुद अपने खर्च पर पेड़ लगाकर किसानों को दे रही है, जिसके मालिक खुद किसान ही होंगे। अब पेड़ों को बचाने के मकसद से ही सरकार इस तरह की स्कीम पर विचार कर रही है। यमुना नगर, सुरेंद्र मेहता, पंजाब केसरी टीवी।